अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त का सालन। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कैसे बनता है। होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमने प्याज ले लिया है एक बड़े साइज का और इसे इस तरह काट लिया है। दो अदद हमने टमाटर लिए हैं जिनको ऊपर से छील लिया है, उसे गोल गोल इस तरह कटिंग कर लिया है। एक कटोरी हमने ऑयल लिया है। आधा किलो हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, उन्हें कट करके इस तरह पानी में भिगो दिया है ताकि वो काले ना पड़े। हाफ के जी हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है। तो हमने 1 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हमने शामिल कर लिया है। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए देन हम इसमें अपने प्याज शामिल करेंगे। तो चलिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने प्याज शामिल करते हैं। अब इन प्याज को हम हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा प्याज। बस थोड़ा सा और करके हम फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चलें हम इसमें अब अपना पेस्ट शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट को हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि इस वजह से जो इसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। साथ ही हम इसमें अपना हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे ताकि साथ साथ ही ये भी भुन जाए। बस थोड़ा सा हम इसे और भुनेंगे, फिर हम इसमें अपना गोश्त शामिल कर लेंगे, क्योंकि गोश्त हम पहले इसलिए डालेंगे प्याज के साथ ताकि प्याज अच्छे से इसमें गोश्त में मिल जाए और अच्छे से भुन जाए, क्योंकि हल्की सी हम इसमें जो है वो तरी रखेंगे, मतलब हल्का सा तरी वाला हम बना रहे हैं। इस वजह से हमें प्याज की अच्छे से भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सूखा बनता तो मसला नहीं था, लेकिन चूँकि ये हल्की सी तरी वाला है इसलिए प्याज को अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसमें अपने गोश्त को शामिल कर देंगे। अच्छे से गोश्त को हम भुनेंगे। 3 से 4 मिनट इसकी हम अच्छे से भुनाई करके इसमें हम अपने स्पाइसेस और जो टमाटर हैं वो शामिल करेंगे। आप चाहें तो टमाटर की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। बस थोड़ा सा और हम इसको भुनेंगे, फिर हम इसमें अपने टमाटर और स्पाइसेस अपने शामिल कर देंगे। याद रखिएगा एक बात कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो भूनना है ताकि हमारे जो प्याज हैं वो काले ना पड़ जाएं, जल ना जाएं। अक्सर ये होता है कि हम जल्दी के चक्कर में इसे तेज आंच पे भून लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है मसाला आपका काला पड़ सकता है, उसमें वो कलर नहीं आ पाता। जल्दी के चक्कर में इसे तेज आँच पर भून लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है मसाला आपका काला पड़ सकता है, उसमें वो कलर नहीं आ पाता। चलिए अब हम इसमें टमाटर को शामिल कर लेते हैं। ये हमने टमाटर डाल लिए हैं। टमाटर के हमने छिलके इसलिए उतार दिए थे क्योंकि तरी वाले सालन में ये होता है कि छिलके ऊपर से आपको फिर नज़र आते हैं। तो याद रखिएगा कि इसको छिलके उतार के आपने टमाटर डालने हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर देते हैं सारे। अच्छे से भून लेंगे इसको। तो चलिए थोड़े से हम इसमें अपने मसालों को भून के और टमाटर नरम होने तक का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने आलू शामिल करके
आलू को भी थोड़ी सी देर भून के फिर हम जितना आपने पानी अपने डालना है हस्बे जायका आपको, या ज़्यादा तरी बनानी है आपको, कम बनानी है, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो चलिए हमारे टमाटर थोड़े अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को भी 10 से 15 मिनट भूनेंगे। आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, अब इसे भी थोड़े मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट इसे भूनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो है वो भुन चुका है, अच्छा सा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कलर, देखिए चिकन ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना पानी को शामिल करेंगे। यहाँ हमने तकरीबन 2 कप के करीब पानी ले लिया है, इसको इतना पकाएंगे कि ये इसका हाफ रह जाए। चलें अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। ये चलें अब हम इसमें जो है वो कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे मोटी, और फिर इसे दोबारा से ढक के रख देंगे। ये देखते हैं कितना पानी रह गया है। पानी जितना हमें चाहिए था उतना ही रह गया है, हमने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी शामिल किया था, ये उसका आधा रह गया। देखिए तरी भी कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनी है आप देख सकते हैं, और घी भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और हमारा सालन हो चुका है तैयार। तो चलिए हम इसमें सब अपना धनिया शामिल कर देंगे, और अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है आलू गोश्त का, और जितनी तरी में गाढ़ी चाहिए थी उतनी ही है। तो चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।